सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिज्यू गेमर। आज हम फिर से खेल रहे हैं कार सिमुलेटर 2 और आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग इस गेम में। तो हम बहुत सारे पिछले वीडियो से हम चला रहे हैं अपनी टोयोटा सुप्रा। आज हम ख़रीदने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन कार। वो कौन सी होगी वो मुझे अभी कन्फर्म नहीं है, वो चल कर देखेंगे। कोई तगड़ी ख़रीदेंगे, कोई ऐसी वैसी तो ख़रीदने वाले है नहीं। यहाँ पर यह है अपनी टोयोटा सुप्रा। मैंने एक दूसरी भी टोयोटा की कार खरीदी थी लेकिन वो सुप्रा नहीं थी, वो कोई और थी। तो मैं कंफ्यूज हो गया था उसमें और उसको आवाज़ उसकी कुछ खास थी नहीं। लेकिन ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, सब उसकी इसको ना सब परफेक्ट है। और इसको अभी लेकर चलते हैं हम, इसे हम कुछ मिशन वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे मेरे पास पैसा वगैरह भी है भाई साहब, यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ देख लेते हैं कोई गाड़ी क्या हमें मिल जाएगी कोई अच्छे रेट में। अगर मिलेगी तो उसी को ले लेंगे ना भाई साहब। और यहाँ पर एक है बुगाटी, ये तो नहीं, इसको नहीं परचेज़ कर सकता। ये भी है एक रेंज रोवर भाई साहब, ये मिल रही है मुझे, दिखने में भी काफ़ी अच्छी है, सब कुछ काफ़ी अच्छा, ये ख़रीद सकता हूँ। यहाँ पर एक निसान GTR भी है लेकिन निसान से नहीं, मैं आज ख़रीदने वाला हूँ। यहाँ पर एक डॉज की कार है और यहाँ पर भी एक मस्टरीज, और नहीं यहाँ पर एक रोल्स रॉयस है, इसको नहीं, ये नहीं बिक रही, इसको ले लेता मैं। लेकिन अभी बजट में भी है, सब कुछ है, तो रेंज रोवर ही हम परचेज करने वाले हैं क्योंकि ये एक तगड़ी VIP कार होती है। तो इतना इसमें ज़्यादा है नहीं, इतना पैसा है मेरे पास, तो इसको मैंने अभी यहाँ से परचेज कर लिया है। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई वगैरह मुझे करवाना पड़ेगा, ये नीले कलर में कुछ जम नहीं रही, इसको करवाएंगे हम ले जाकर ब्लैक। तो फटाक से इसको लेकर चलते हैं शॉप पर जहां पर हम इसको कस्टमाइज और अपग्रेड करवा सकते हैं। और यहां पर अभी आ चुका हूं मैं इस शॉप के, बस थोड़ा ही पास ही है, अभी यहाँ पर चलता हूँ, इसको मॉडिफाई वगैरह करवाएंगे। यहाँ से मुझे इसको बस घुमाना है, इसको अभी यहाँ पर लेकर चलते हैं। मेरे पास अभी थोड़ा पैसा है तो इससे मैं करवा सकता हूँ इसको, सब कुछ अपग्रेड इसका करवा ही लेंगे हम लगे हाथ। सबसे पहले इसका पेंट करवाते हैं, इसका पेंट मैं रखने वाला हूँ ब्लैक, मैंने जो पहले ही सोचा था, मैंने देखा था रेंज रोवर ब्लैक यार काफ़ी ठीक लगती है, तो यहाँ पर इस कलर को परचेज कर लेते हैं। थोड़ा शाइनिंग वाला ब्लैक है ना, तो इसको मुझे करना है भाई ब्लैक ऐसा, ये हो गया एकदम डार्क शाइनी ब्लैक, तो इसको करवा लेता हूँ मैं। और उसके बाद इसमें फॉग वगैरह भी स्मोक लगवाएंगे फॉग, तो यहाँ पर ये हो गया। अभी इसके जो ये गिलास हैं इसको भी मैं पूरा ब्लैक करवा लेंगे ना, जेड ब्लैक होगी अपनी कार पूरी, तो यहाँ पर इसको भी मैं ब्लैक करवा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्मोक निकलेगा, स्मोक को करवा लेते हैं रेड, रेड ही थोड़ा ठीक लगता है तो रेड करवा लेते हैं स्मोक यहाँ पर। चलो कलर तो हो गया, यहाँ पर मैं इनमें भी करवा सकता हूँ अपने व्हील्स में, और इसमें रेड नहीं, रेड तो इतना कुछ लग नहीं रहा, बाकी मैं इसमें हल्का ऐसा कर लेता हूँ, ये बढ़िया लगेगा। बिल्कुल जेड ब्लैक करवा रहे हैं ना, तो सब कुछ जेड ब्लैक ही होना चाहिए। कलर तो हो गया है, अभी चलते हैं मॉडिफिकेशन के शॉप पर। यहाँ से अभी इस गाड़ी को निकालते हैं अपनी रेंज रोवर को, दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़िया लग रही है यार, नीली इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितना ब्लैक लग रही है। अभी यहाँ पर सामने ही वो दूसरी वाली शॉप है जिसमें मैं इसको अपग्रेड, इसकी स्पीड वगैरह सब बढ़वा लेंगे, फुल करवाना है, इसमें नाइट्रो भी लगवा देंगे हम, यार स्पीड होनी चाहिए ना अच्छी खासी। वैसे तो ये कि SUV कार है लेकिन इसमें हम तगड़ी स्पीड वगैरह सब करवाएंगे। ओके गाइस, तो मैंने इसको बढ़िया से यहाँ पर मॉडिफाई करवा लिया है, अभी इससे कुछ मिशंस वगैरह करके देखते हैं क्या हम इससे कर भी पाएंगे या नहीं। यार इसकी स्पीड भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे कि कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 नहीं, अरे यार ये तो पानी में चली गई। कोई नहीं, अभी गैरेज में चलते हैं और वहाँ से शुरू करेंगे भाई, इधर से निकलो। ये अपना वो सेकंड वाला गैरेज है ना, अब तो मेरे पास इतनी कार हो चुकी है, मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ कहाँ पर कार मेरी खड़ी है। सबको लाएंगे एक बार, कलेक्शन तो अपना तगड़ा हो ही चुका है। मेरे पास ये हो चुकी है एक लेक्सिस की कार है मेरे पास, और मेरे पास जी वैगन भी है, अब यहाँ पर रेंज रोवर भी आ गई, मतलब कार्स की तो अभी कोई कमी है नहीं। अभी इसको लेकर चलते हैं, क्या मैं इस पुलिस से मतलब एस्केप कर पाऊँगा, ये थोड़ा सा टफ होता है लेकिन रेंज रोवर है, इसकी कंट्रोलिंग थोड़ी अच्छी होगी, और कार से SUV है ना, इसकी स्पीड इतनी नहीं होगी लेकिन यार स्पीड भी ठीक है ना, 230 तक ये मैक्सिमम अभी पहुंची है। और भाई साहब ये आगे निकल गई, नहीं पुलिस वाले पीछे से गाड़ी आ रही है उसकी, इससे तो मैं बच जाऊंगा, चलो कोई नहीं।
ये सामने से ठोक सकता है। ओ भाई साहब बाल बाल बच गए इससे। अभी इसको लेकर चलते हैं बहुत दूर, इसको मैं ले जाने वाला हूँ। और वैसे ज़्यादा दूर नहीं, अब जीत तो जाएंगे। इनके हाथ में आने वाला, ये मेरे पीछे जस्ट पीछे ही हैं, लेकिन अपनी रेंज रोवर है हाथ इनके, इस तरीके से तो आएगी नहीं। यहाँ से बढ़िया सा कट मारता हूँ, यहाँ पर ये अटक जाएंगे, मुझे पता था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही थी और अटक गई यहाँ पर। और ये हो गया अपना मिशन कंप्लीट। और यहाँ पर ना मैं अभी क्या करता हूँ कि मुझे एक काम दिया गया है, मुझे एक बैग है उसको कहीं पर ले जाकर देना है। तो फटाक से सबसे पहले तो मुझे ये बैग कलेक्ट करना पड़ेगा। इतने सारे बाउंसर क्यों खड़े हैं इस बैग के लिए? इसमें कुछ शायद कोई होगा इम्पोर्टेंट सामान। तो यहाँ पर उतरते हैं अपनी कार से। भाई साहब अंदर से इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा है इसका। और यहाँ से अभी मुझे पुट इन द ट्रंक, अबे ट्रंक ही ओपन नहीं किया। तो फटाक से अभी कार का अपना ट्रंक ओपन कर देता हूँ। और भाई साहब ये ट्रंक की है कि क्या डिग्गी, इतनी बड़ी डिग्गी है, इसमें एक और सीट जमा लो। चलो कोई नहीं, अभी इसको लेकर चलते हैं जो लोकेशन इन्होंने मुझे बताई है। जाना तो ज़्यादा दूर है नहीं, अभी इधर से निकलता हूँ पहले, फिर देखूँगा कि कहाँ पर मुझे जाना है। मैप खोल कर एक बार देख लेता हूँ। चलो ज़्यादा दूर है नहीं वैसे। इसको आई थिंक मुझे माफिया के पास ले जाना। यार सब चीज़ मुझे माफिया को ही क्यों देनी पड़ती है? मिलना पड़ेगा इस माफिया से। कौन है यार इतना बड़ा माफिया जो हमारे पास सब कुछ है और फिर भी हमें उसके लिए काम करना पड़ता है? तो फटाक से इस बैग को उसको लेकर देना पड़ेगा मुझे। इधर से चलता हूँ, मेन रोड से चलूँगा हाईवे से, ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। गलियों से जाता हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लग जाएगा, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। इससे यार हम इसका काम करते हैं, इससे हमें पैसे देता है ये, इसीलिए ये कोई बड़ा माफिया होगा। अभी यहाँ पर एक और मिशन है, ये और मिशन करना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या मैं इसको टाइम पर कर पाऊँगा। इसमें हमें ज्वेलरी शॉप लूटनी है। तो फटाक से हम अपनी रेंज रोवर को लेकर चलते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं वैसे। और मैंने यहाँ पर ना सच में इसमें लाइट भी तो लगवाई थी। ये देखो भाई साहब क्या ही खतरनाक लग रही है ना आगे से। मैं भी तो सोच यार मैंने इसकी कलर, लेकिन ये बैक नहीं हुई ना है, ये हेडलाइट तो हो गई लेकिन ये बैक लाइट्स नहीं हुई इसका। ये भी होती है ना इस कलर की तो मज़ा आ जाता है इसमें। तो अभी मैं बस ज्वेलरी शॉप पर पहुँचने ही वाला हूँ। फॉग भी लगा रखा है मैंने इसमें, ब्रेक लगाओ भाई साहब, खतरनाक घूमगी, मुझे पता था ये पूरा घूम जाएगी यहाँ पर। अभी उतरता हूँ, मुझे बैट निकालना पड़ेगा और बैट से अभी इन गिलास को फोड़ना पड़ेगा और सारी ज्वेलरी फटाक से यहाँ से लेकर निकलनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर पहले मैं ना इसका ट्रंक खोल देता हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे खोलना पड़ेगा, तो मैं वापस नहीं आना चाहता। तो यहाँ से अभी बैट निकाल लेते हैं और अभी इन सब गिलास को मैं फोड़ना शुरू कर देता हूँ। इसको फोड़ो, इसको फोड़ो, इसको फोड़ो। मेरे पास सिर्फ 1:14 है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी पकड़ा जाऊँ। यहाँ पर अपनी कार सीज हो जाएगी यार, रेंज रोवर अभी लिए मैंने, तो यहाँ पर इसको भी फोड़ देता हूँ। उसके बाद सारे जितने भी यहाँ पर ज्वेलरी है सबको कलेक्ट करो भाई जल्दी जल्दी से, मेरे पास टाइम 1 मिनट से भी कम है अभी। वैसे अपने पास रेंज रोवर है, स्पीड में तो पहुँचा ही देगी, बस मुझे यहाँ से इन सबको मैं कलेक्ट कर लूँ। और यहाँ पर एक और रह गया, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ेंगे हम यार। इसमें ना ये मिशन काफ़ी अच्छा होता है, इसमें हमें काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। बाकी रात में इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है रेंज रोवर की अपनी। अभी इसको फटाक से लेकर चलता हूँ, इसको भी मुझे माफिया को ही ले जाकर देना पड़ेगा आई थिंक। तो इसको वहीं पर लेकर चलता हूँ, मेरे पास सिर्फ 27 सेकंड 26, चलो पहुँच जाऊँगा, मुझे लोकेशन तो यहीं पर है। रे भाई साहब यहाँ पर बॉय इसने धुआं धुआं कर दिया अपने रेंज रोवर ने। अभी मैं यहाँ पर इसको लेकर चलता हूँ और अभी आई थिंक मुझे सामने ही जाना पड़ेगा ना। तो उधर पर यार कुछ ज़्यादा ही ड्रिफ्ट कर रही है, वैसे मैंने इसकी ड्रिफ्ट ओपन कर रखी है, वरना अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो फिर ये इतना ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर इसमें लगवाया है ड्रिफ्ट, तो इसको ड्रिफ्ट करवाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मिशन भी कम्प्लीट, अच्छा खासा इससे पैसा हमें मिल जाता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको ऐसी मज़ेदार गेम्स के साथ। गुड बाय, टेक केयर।